चाइना पहले से ही दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, चाहे वो उइगर मुस्लिमों के नरसंहार का मामला हो या कोरोना के पीछे उसका षड्यंत्र। सभी जान चुके हैं कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी निकम्मी है और उसका पूरा ध्यान विस्तारवाद पर है। हाल ही में चीनी सरकार का और एक अमानवीय चेहरा सामने आया है। बता दें कि चीन के कई प्रांतों में कथित तौर पर ईसाई समुदाय के लोगों को आदेश दिया गया है कि वो अपने घरों में लगी जीसस क्राइस्ट की तस्वीरें, मूर्तियां और क्रॉस फौरन हटाएं और इनकी जगह कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की फोटो लगाएं और उनकी जय जयकार लगाएं। कम्युनिस्टों का कहना है कि धार्मिक प्रतीकों को हटाकर लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर माओ त्से-तुंग और वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरें लगानी चाहिए, क्योंकि वो लोग ही सभी के कर्ता धर्ता हैं। भगवान ईश्वर किसी के भी काम नहीं आते हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों में एक अभियान चलाकर चीन के चार राज्यों में सैकड़ों चर्चों के बाहर लगे धार्मिक प्रतीक चिन्हों को हटाया जा चुका है, जिसके पीछे तर्क दिया गया था कि समानता स्थापित करने के लिए इमारतों के जरिए किसी धर्म की पहचान नहीं होनी चाहिए, ताकि सामाजिक सौहार्द बरकरार रहे, भेदभाव ना हो। चीनी सरकार की ऐसी रणनीति को देखकर तो यही लगता है कि वो नहीं चाहती कि उनके नेताओं के अलावा लोग किसी भी और शक्ति पर भरोसा करें, और जो भरोसा करेंगे कम्युनिस्ट सरकार उस पर दंडनीय कार्रवाई करेगी, यानी उनके ह्यूमन राइट्स का हनन करेगी। चकाचक एक्सप्रेस से आदर्श की रिपोर्ट।